जिले के अमलाई पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 करोड़ के गांजे के मामले का मुख्य आरोपी को अमलाई पुलिस ने उड़ीसा से पकड़कर शहडोल के अमलाई थाने लाई है। पकड़ा गया आरोपी राहुल उर्फ स्वाधीन खाटुआ उड़ीसा के संबलपुर जिले का रहने वाला है, जो कि अंतर्राज्यीय स्तर पर उड़ीसा से गांजे की तस्करी कर शहडोल जिले समेत आसपास के प्रदेश के जिलों में करता था। शहडोल की बुढ़ार पुलिस ने 13 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर 1.5 टन गांजा सहित 2 लग्जरी गाड़ी और एक छोटा ट्रक के साथ दीपू सिंह और रोहित शर्मा को रंगे हाथों पकड़ा था। वहीं इस गांजे के मामले के मास्टरमाइंड गांजा तस्कर राहुल उर्फ स्वाधीन खाटुआ फरार हो गया था, जिसकी लंबे समय से शहडोल पुलिस तलाश कर रही थी, जिसे शहडोल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने टीम गठित कर उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के गोपाल बिहार धानुपाली गृहग्राम से गिरफ्तार कर शहडोल ले आई है, जिसे अमलाई थाने से कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। बताया ये भी गया है कि शहडोल संभाग के गांजे के मामले में 2 करोड़ के गांजे का ये पहला मामला था। वहीं शहडोल संभाग का ये पहला मौका होगा जब गांजे के मामले का गढ़ माने जाने वाले उड़ीसा से आरोपी को पकड़ कर लाया गया हो। 2 करोड़ के जो गांजा पकड़ा गया तो उसका मुख्य आरोपी पकड़ाया, कहाँ से कब कैसे लाया, क्या मामला? ये पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पे एक टीम बनाई गई थी, जिसमें इस प्रकरण की विवेचना मुझे सौंपी गई है। जो उड़ीसा जो गिरफ्तार शुदा आरोपी की निशादेही पर उसे लेके गए थे उड़ीसा, वहाँ से ये दस्तयाब हुआ है, जिसको यहाँ ला कर के पूछताछ की गई, जो अपना जुर्म स्वीकार किया है। इसने जो माल भेजा था ये इसी का माल भेजा ना बताया है, जो ये कार्रवाई में सबसे बड़ा मुख्य आरोपी है जो पकड़ा गया है। ये फरार चला था क्या? नहीं, ये फरार चला था ये वहाँ से, जिसे हमने कितने का गांजा पकड़ाया था? ये 2 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा गया था, उसी का ये फरार आरोपी था जिसको पकड़ दस्तयाब करके लाए। हाँ।